और इनका हाथ है, और इस तरह के बहुत लड़के आपको बेवकूफ बनाते हुए दिख जाएंगे। ये देखो ये रहा इनका हाथ, निकाल दो एक बार, निकाल दो शर्ट, निकाल दो कोई बात नहीं, शर्ट निकाल दो एक बार। हाँ क्या गंदपना लग रहा, मेल ही मेल है पूरे शरीर, तो कोई बात नहीं एक बार निकाल दो, मेल है तो क्या हो गया, शर्ट तो निकालने में क्या दिक्कत। जय हिंद जय भारत, और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल, मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। अभी दर्शकों आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं दिल्ली की राजधानी पंजाबी बाग का ये जो है चौक है, और आपको बता दूं यहां पर हम ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़े थे, तो ये भाई यहां पर भीख मांग रहा था सबसे, गाड़ी की ठकठका के पैसे मांग रहा था, और मुझे इसके ऊपर संदेह हुआ, तो वही लाइव रेड आपको दिखाने वाला हूं। देखो हालांकि इस तरह से आपने बहुत सारे बंदे देखे होंगे जो पैसे मांगते हैं, कि यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बाजू बंद कर रखी है और ये भीख मांग रहे हैं, और जबकि इनका हाथ है कि नहीं हाथ तुम्हारा, और है था इनका। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार दिखा दो बेटा, दिखाओ एक बार, हाँ एक बार दिखा दो, कोई बात नहीं, उतार, हाँ उतार आराम से उतार दे, और इनका हाथ है, और इस तरह के बहुत लड़के आपको बेवकूफ बनाते हुए दिख जाएंगे। ये देखो ये रहा इनका हाथ, निकाल दो एक बार, निकाल दो शर्ट, निकाल दो कोई बात नहीं, शर्ट निकाल दो एक बार। हाँ क्या गंदपना लग रहा, मेल ही मेल है पूरे शरीर, तो कोई बात नहीं एक बार निकाल दो, मेल है तो क्या हो गया, शर्ट तो निकालने में क्या दिक्कत है, कौन निकाल दो एक बार, निकालो एक बार, ये देखो यहाँ पर इनका दोनों हाथ हैं, ये वाला हाथ भी है और ये वाला हाथ भी है, और ये हाथ अंदर डाल करके यहाँ पर इसने बंद कर रखा है। ये भीख मांगने का नया तरीका, और नया नहीं है तो बहुत पुराना, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा हाथ अंदर करके क्यों पैसे मांगते, अब सच पढ़े क्या नाम है, तुम्हारी सही सलामत है, उम्र तुम्हारी है, हाथ पैर सही सलामत है, भीख क्यों मांगते हो, क्या करे खाने पीने के लिए मांगते, मेहनत क्यों नहीं कर लेते, आईडी ग्रुप सब मांगते हैं आजकल मेहनत के लिए बाबूजी, जिम्मेदारी मांगते हैं, तो फिर हाथ अंदर करके बेवकूफ बनाते हो यार तुम लोग, बताओ बेवकूफ नहीं बनाते, ये बेवकूफ नहीं बनाते कि क्या नाम है, हाथ अंदर करके तुम्हारे हाथ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, और ये देखो अगर ध्यान से देखोगे इसका हाथ, ये रहा ये देखो ये रहा ये देखो ये रहा हाथ है कि नहीं हाथ इसका, और उसके बाद जो तुम लोग ड्रामा करने के बाद यार पैसे मांगते हो यहाँ पे, चोरी तो करना नहीं पड़ता ऐसे यार, ये तो सीना चोरी है, तुम्हारे हाथ है, दोनों हाथ है इस भाई के, एक हाथ जबरदस्ती अंदर करके, और फिर कह रहे हो कि मैं भीख मांग रहा हूँ और चोरी नहीं कर रहा, क्या करे तो जिम्मेदारी मांगते नहीं, मेहनत करके कमाओ ना, अरे यार तेरी उम्र है, अभी तेरी उम्र है ना, तेरी उम्र है, तेरे हाथ पैर सही सलामत है, तेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि तेरे हाथ पैर ना हो, तू मेहनत करके कमा सकता है, दोनों हाथ है ये देखो इसके, ये देखो हाँ दोनों हाथ हैं इसके, चोरी तो नहीं कर रहे ऐसे, अरे ये तो सीना चोरी है, तेरे दोनों हाथ होते हुए तू भीख मांग रहे थे, ये ड्रामा है कि नहीं ड्रामा, ये क्या करे ड्रामा, ये ड्रामा है ना, ड्रामा है नहीं है, तो बेवकूफ बना रहा है सबको, नहीं बना रहा, बना रहे क्यों बना रहा है बेवकूफ, क्या करे बाबूजी, अरे मेहनत करके कमाना, हम भी तो मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, क्या करे तेरी कमाने खाने की उम्र है, तेरी उम्र कितनी है अभी, उम्र 15 साल ही, कहाँ का रहने वाला है तू, यहाँ के रहने वाले, यहीं के कहाँ के, शादी, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप तो मरे हुए, तो मेहनत क्यों नहीं कर लेता, कहीं पे बर्तन मांझ ले, कोई झाड़ू पोछा लगा ले, बजाय तो सबको यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है, जिम्मेदारी मांगते हैं आजकल काम के, अरे जिम्मेदारी मांगते हैं, ये कौन सी जिम्मेदारी, तेरे दोनों हाथ पैर हैं और फिर तू सबको दिखा रहा है कि मेरा हाथ नहीं है, क्या करे भाई सब ऐसे मांगते, अब बताओ ऐसे लड़कों का क्या करना चाहिए, आप खुद देख लो, और इस तरह से बहुत मिल जाएंगे आपको जो पैसे मांगते हैं, उनके सही महीने में हाथ होते हैं और लेकिन ड्रामा करते हैं हाथ छुपाने का कि मेरा हाथ नहीं है, इसका हाथ है, दोनों हाथ हैं इसके पास, फिर भी यहाँ पर पैसे मांगता है, कितने पैसे इकट्ठे कर लेता है ऐसे, मांग लेता हूँ 100-150 रुपए खा लेता हूँ फिर सो जाता हूँ, मतलब महीने के कितने पैसे इकट्ठे कर लेता है, महीने के नहीं इकट्ठे करता, रोज ऐसे मांग के खा के सो जाता हूँ, तो मेहनत क्यों नहीं करता ईमानदार से, कहीं पे जॉब क्यों नहीं करता तू, कहीं पे बर्तन मांझने का काम करेगा मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जिम्मेदारी मांगते हैं सब लोग, जिम्मेदारी जिम्मेदारी, तो फिर ये रास्ता ढूंढ लिया, क्या करे ऐसे मांग के खा के सो जाते हैं, ऐसे मांग के, ये रास्ता तेरे को लगता है कि ये सही है जो तू कर रहा है, सही है ये, सही है रास्ता, बता नहीं गलत है, बहुत गलत है, क्या करना चाहिए इसको, मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सही कर रहा है गलत कर रहा है भाई, सही नहीं कर रहा, गलत कर रहा, गलत कर रहा है, कमाने खाने लायक है, कमाने खाने की उम्र है इसकी, और ऐसे एक नहीं है अनेकों बच्चे मिल जाएंगे ऐसे मांगते हुए, लेकिन जिनके हाथ होते हैं पैर होते हैं और लेकिन फिर भी ड्रामा करते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, अब बताओ इस भाई का, इधर भाई इधर, ये देखो अब ये लड़का खुद देख लो आप, इसके सब कुछ है, इसके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर सही सलामत हैं, लेकिन दिखता क्या है कि इसका एक हाथ नहीं है, ऐसा दिखता है लेकिन सिर्फ, ये देखो इधर आ जाओ ऐसा, अब जाओ इसको कोई भी देख के कह देगा इसका एक हाथ है नहीं, लेकिन सही मायने में इसके दोनों हाथ हैं, हमने दिखाया लाइव के अंदर, ये देखो इधर इनके हाथ पीछे, ये मैं कई बार दिखाऊंगा, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा दूसरा हाथ, ड्रामा करते हैं पैसे मांगने का,
ईमानदार से मेहनत करके कहीं पर रोजी रोटी कमा ले, क्यों जरूरी बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर रखा तुम लोगों ने? ये सही में बेवकूफ बनाने का काम है। अगर वाकई अभी इसकी उम्र है, ये मेहनत करके कमा खा सकता है, कहीं पे बर्तन मान सकता है, इसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो अब ये बता रहे कि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और दिल्ली में रोजगार नहीं मिलता इसको, इसलिए इसने धंधा ढूंढ लिया कि एक हाथ पीछे डाल लो और गाड़ियों को ठकठकाओ और पैसे मांगना शुरू करो। अब खुद देख लो ऐसे लोगों के साथ आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम है।